जारी है। मेरा नाम है दीपांकर, सर को मैं कनेक्ट कर दूं कई बार करना पड़ता है। मैं इनकम टैक्स मैंने छोड़ दिया, अभी मैं नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर पोस्ट हूं, वो पुराना था। तो क्या बताया मेरे बारे में, मेरा क्या है कि देखिए पहला सिलेक्शन हुआ था 2000, आप लोग एसएससी बैच के हैं ना, एसएससी की तैयारी कर, सीजीएल की भी तैयारी करते होंगे ठीक। मेरा क्या है, पहला सिलेक्शन जो हुआ था वो हुआ था सीजीएल 2017 के थ्रू, वो मुझे मिली थी सीजीए अकाउंटेंट 2800 की जॉब होती है दिल्ली में, गृह मंत्रालय के अंदर होती है। फिर उसके बाद मैंने क्या 2018 का सीजीएल लिया था, तो 2018 का सीजीएल लिया था तो मुझे मिला था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी, वो क्या था साउथ में था हैदराबाद के पास तिरुपति एक जगह पर थी, तो तिरुपति में पोस्टिंग थी तो शायद उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि घर से बहुत दूर था। फिर मैंने क्या कि सीजीएल 2019 दिया, तो सीजीएल 2019 से मेरा सिलेक्शन हुआ था नारकोटिक्स इंस्पेक्टर में। अभी मेरी पोस्टिंग है भीलवाड़ा में, चित्तौड़ जानते हैं हम लोग, चित्तौड़ के पास में पड़ता है राजस्थान में। तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो, कोई डाउट है, जैसे जो भी तैयारी की शादी में आता है तो अगर आप लोग पूछेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा बताना बेहतर रहेगा। प्रिपरेशन कैसे किया, ये मेरा ये था कि सीजीएल में अगर एक लड़की की जॉब हो जाती है तो गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी बस, बहुत है सीजीएल वगैरह मेरे बस का नहीं। पर क्या है कि जैसे जैसे आप क्या ना स्टार्टिंग में दूर वाली चीजों से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जब आप उसके थोड़ा नजदीक जाते हैं तो डर निकल जाता है। तो पहले अटेम्प्ट में क्या है कि मेरा प्री निकल गया था, 2015 की बात है, 2015 का मैंने दिया था एग्जाम, मुझे 2016 में मैंने दिया था 1.5 साल बाद, तो प्री मेरा निकल गया था। मेंस देने का मुझे मौका मिला था, मैंने मेंस दिया, मेरा मेंस में नहीं हुआ, मेरे थे मुझे लग रहा मैथ्स में, उसमें क्या है कि मेंस में मैथ आता था और इंग्लिश आता था, दो रोज होना था, अभी तो पैटर्न थोड़ा सा बदल गया। तो मेरे क्या है 200 में थे 150 नंबर मैथ में और 100 नंबर के आसपास थे इंग्लिश में, तो हुआ नहीं मेरा। 2016 का मैंने थोड़ा सा और मेहनत करके तैयारी से एग्जाम दिया तो प्री निकला। मेंस क्या है कि मुझे 3 या 4 नंबर से देने को मिल गया था, तो मेंस मेरा हो गया था क्वालिफाई। फिर भी क्या था कि मेरे मैथ में वही 150 नंबर और इंग्लिश में मेरे साथ 97 मार्क्स थे, पर गलती से मतलब जैसे था कि क्वालिफाई कर गया था मेंस, पर वो ऐसे लिखने के लिए मुझे मिल गया। तो एक जैसे क्या है कि एक नहीं धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ने वाली बात है कि पहला प्री निकला मेंस नहीं निकला, पर जैसे उसमें आदमी पॉजिटिव था कि चलो कम से कम मेंस देने को मिला, देखेंगे कि पेपर कैसा होता, बच्चे कैसे होते हैं। फिर अगली बार जब हुआ ये हुआ कि प्री निकल गया मेंस निकल गया, अब ऐसे लिखने का हुआ तो कम से कम ये थोड़ा सा मिला कि निबंध कैसे होता है, टाइपिंग कैसे होती है, थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाता है। उससे क्या थोड़ा सा आदमी जैसे मेरा क्या है हर एक चीजों में जैसे पॉजिटिव में मिल रहा है, चलो कुछ तो अच्छा हुआ कुछ तो अच्छा हुआ, थोड़ा सा जैसे उसे मोटिवेशन बना रहता है कि इतने भी जैसे बुरे नहीं है, कम से कम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। फिर 2016 का दिया तो उसमें फाइनल नहीं हुआ, फिर जब 2017 का दिया थे तो उसमें क्या है कि सर क्या फिर कोचिंग मैंने ज्वाइन करी थी, क्योंकि क्या है कि दोनों बार मेंस में 150 नंबर आ रहे थे 200 में, और इंग्लिश में भी क्या है कि 200 में 100 नंबर कर आ रहे थे, उससे सिलेक्शन होना नहीं था, दो बार का सेम हाल था, क्योंकि उससे पहले क्या सेल्फ स्टडी करता था मैं, तो मुझे लगा कि क्या कहते हैं कि कोचिंग का एक गाइडेंस जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी से तो होगा नहीं, सेल्फ स्टडी से नहीं क्या उतना ही पढ़ सकते हैं जितना आपका नहीं बौद्धिक क्षमता है, आप थोड़ा सा पुश कर सकते हैं कि थोड़ा सा इनको स्टेप और आगे का सीख सके, जब तक कोई गाइड नहीं करेगा तब तक आप और बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो सर से मैंने पूछा तो सर से मैंने ये बोला था कि सर की दो बार से मैं मेंस दे रहा हूँ, मेरा वो 50 नंबर का गैप है मैथ में, वो मतलब गैप कवर नहीं हो रहा, वो बढ़ नहीं रहा है, तो फिर ये होगा कि कोचिंग कर लो धीरे धीरे, जैसे इंडिविजुअल होगा बेसिक तुम्हारा अच्छा है और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा बहुत जैसे कुछ ट्रिक वगैरह भी सीख लोगे तो एग्जाम हॉल में नहीं जैसे आप जो मान के चलिए 75-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिक से करेंगे तो सर 10-5 क्वेश्चन और बेहतर कर पाएंगे, और अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो थोड़ी सी स्पीड भी ज्यादा होगी, तो जरूर थोड़ा सा नहीं वो टाइम का एक बेनिफिट मिलेगा। तो आप जो मान लीजिए 75-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर 90-95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो थोड़ा सा जरूर स्कोर बढ़ेगा। तो अगर मैंने साल भर क्या इंडिविजुअल की कोचिंग की थी उसमें जनरल बैच नहीं था, खाली मतलब इंडिविजुअल मैच होता था, इंडिविजुअल मैच क्या जबकि 2017 का क्या था मुझे लगता है अभी तक का सबसे टफ मैच था वो, सबसे टफ, क्योंकि उसमें क्या पैटर्न भी सारा बदल दिया था और नई नई चीजें आ गई थी तो उतना कोई प्रिपेयर नहीं था। फिर भी मेरा क्या है कि मैथ मुझे लगता है 176 नंबर 200 में था,
तो सचिन तेंदुलकर सर ने 26 नंबर लगवा के जो कि पेपर भी बहुत ज्यादा टफ था, इंग्लिश में भी मैंने कहा इंग्लिश की भी कोचिंग की, तो इंग्लिश का मेरा हो गया था 100 से बढ़कर के 164 नंबर। तो मेरा क्या है कि मेंस हो गया टीयर 3 देने को मिला, मेंस मेरे नंबर इतने अच्छे थे कि टीयर 3 में थोड़े से मार्क्स कम आए पर फिर भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। पर क्या है कि टीयर 3 में उतने अच्छे मार्क्स ना आने से क्या हुआ कि मुझे लगा कि जैसे मैं और बेहतर क्लियर करता हूँ, मेंस मेरा अच्छा गया था मैथ और इंग्लिश, तो मुझे लगा कि अभी जिस पोस्ट पे हूँ वो मेरा पोस्ट नहीं, मैं इससे और बेहतर कर सकता हूँ। तो फिर क्या है कि मैंने 2018 सीजन की तैयारी की, उसमें फिर क्या है कि मैथ में मेरे क्या थे 112.5 थे और इंग्लिश में 112.5, प्री में भी अच्छा ही हुआ था, तो मेंस मेरे क्या है कि 385 मार्क्स के आसपास आ गए थे 400, तो वो एक बहुत बड़ा स्कोर हो गया। फिर वही क्या है कि टीयर 3 में थोड़ा सा कम स्कोर है फिर भी रैंक मेरी ठीक ठाक थी, मुझे लग रहा है 384 के आसपास मेरी रैंक थी, तो उससे क्या हुआ कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला और वो मिला था हैदराबाद के पास तिरुपति में, तो काफी दूर था। फिर मैंने 2019 की तैयारी की, होता क्या है कि जैसे जब एक बार आप जैसे कोई भी दरवाजा है जैसे खुल नहीं रहा, पैर से मार रहे हैं धक्का ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, जैसे साइकिल आप चला रहे हैं पहला पावदान मारने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, ज्यादा मेहनत लगती, पर एक बार जब साइकिल कच पकड़ लेती तो फिर वो चलती रहती। वही यार जैसे एक बार मेरा सिलेक्शन हो गया 2017 में, तो फिर 2018 में थोड़ी सी और मेहनत की फिर सिलेक्शन हो गया, 2019 में कोई खास मेहनत नहीं की थी, पूर्व ज्ञान के आधार पर सारी चीजें थी, पर फिर भी सिलेक्शन हो जाता क्योंकि आपका क्या है पौधे का स्तर हो जाता है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि पढ़ना क्या है कितने देर पढ़ना है। 2019 साल में तो 200 में 200 मैथ में था, इंग्लिश में लगा सर 2-3 नंबर बैठ गए 187.5, तो उसमें भी अच्छा स्कोर था। तो जैसे क्या है कि मैंने जो बताया ना कि जब मैं स्टार्टिंग में आया था मुझे लगा कि सीजन कभी नहीं हो